आप लोगों को तो पता है कि इंडिया के अंदर हर तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं बड़े आसानी से, चाहे आप खाने के लिए पकड़ लो, चाहे प्रॉपर्टी पकड़ लो, चाहे ऑटोमोबाइल पकड़ लो। और टेक की तो क्या ही बात करूँ मैं, टेक तो नए नए लॉन्च होते रहते हैं, हर महीने अपडेट होते रहते हैं, चाहे फ़ोन की बात कर लूँ, चाहे मैं किसी भी लैपटॉप वगैरह की बात करूँ। और लैपटॉप से बात आया, एसर कंपनी है, आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, बहुत लोग बस एसर के चीज़ें होंगी, मतलब लैपटॉप कंप्यूटर माउस वगैरह बहुत चीज़ होंगी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि लैपटॉप बनाने की कंपनी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में उतर चुकी है, तो मानोगे? नहीं मानोगे ना, पता है मेरे को, क्योंकि आप लोग सोचोगे भैया लैपटॉप कहाँ, इलेक्ट्रिक स्कूटर कहाँ, दोनों का क्या तालमेल है। तो मैं आपको बता दूँ, एसर कंपनी ने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर कर दिया है, जिसका नाम है MUV, नहीं मूवी 125 4G, जिसको वो काफ़ी समय से सोच रही थी लॉन्च करने का, मगर उसने कुछ समय पहले इसको एक्सपो के अंदर लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप लोग जाना है कि इस कंपनी का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसके अंदर क्या क्या मिलता है, और अगर लॉन्च हुआ बाई चांस तो क्या क्या मिलेगा और कितने प्राइस में मिलेगा, तो भाई ये वीडियो पे एंटर देना, कहीं भी स्किप मत करना। इस वीडियो में इसी के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। और भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को राम राम, कैसे आप लोग, और भैया सब्सक्राइब कर देना, सबसे ज़रूरी वही चीज़ है, क्योंकि उसी से मोटिवेशन और ज़्यादा आएगी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आने के लिए, ताकि आप भी ऐसे कनेक्टिविटी बने रहें और मेरे से और ज़्यादा कनेक्ट हो पाओ, और इन फ्यूचर हमारी फैमिली और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हो, ताकि और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े मिडिल क्लास के फायदे के लिए। बाकी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वही बिना किसी डेडिकेशन के, जैसे कि हमें गाँव गाँव में करती है, कोई डेडिकेशन नहीं किसी भी सेक्टर लेके, चाहे मिडिल क्लास, चाहे कोई सब चंगा से। जैसे मैंने आपको बताया कि लैपटॉप और कंप्यूटर मार्केट के अंदर अपने आप को स्थापित कर चुकी है, मतलब अपने आप की पहचान बना चुकी कंपनी एसर ने, इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो के अंदर अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, जो कि MUVI 125 4G इलेक्ट्रिक स्कूटर है, मूवी 125 4G एक स्कूटर है, जिसे बनाने के लिए कंपनी ने इंडियन मार्केट की मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ई बाइक के साथ पार्टनरशिप की है। तो चलिए जानते हैं कि कितना खास है ये एसर का इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो अगर मैं इसे स्पीड और रेंज की बात करूँ, तो इसके अंदर आपको स्वैपेबल बैटरी मिलती है, साथ इसका जो चैसी है, मतलब चैसिस है फ्रेम, वो हल्का है, उसके साथ इसके अंदर आपको 16 इंच के पहिए मिल जाते हैं, और बहुत कुछ के अलावा मूवी 125 4G इलेक्ट्रिक स्कूटर यूरोपियन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। कंपनी के अकॉर्डिंग ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है आने वाला, वही वो चार्ज होने पर इसकी जो रेंज है वो 80 किलोमीटर तक की है। एसर कंपनी के साथ एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट हुआ है, उसके रूप में ई बाइक भारत के अंदर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेल और सर्विस करेगी। ई बाइक गो जो कंपनी है, ये मूवी 125 4G का विकास और उत्पादन करेगी, मतलब कि डेवलपमेंट और प्रोडक्शन करेगी। ई बाइक गो ने एसर कंपनी के साथ इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटर और ट्राइक पेश करने के लिए इसके साथ पार्टनरशिप की है। ई बाइक गो इन सभी के अंदर, मतलब जो इनको लाइसेंस मिला है, जो एग्रीमेंट हुआ है, इसके अंदर में इसका प्रोडक्शन, मार्केटिंग और जो कस्टमर सर्विस है उसका देखेगी, मतलब यही चीज़ इसके सेकेंड में आएगी। बाकी कंपनी पार्टनरशिप है, बाकी ये चीज़ करती रहेगी, इसके हिस्से में ये आया है। अगर कीमत की बात करूँ, तो कंपनी ने अभी इसकी कीमत का कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दी है, अगर अंदाज़ा लगाएं तो इसकी जो कीमत हो सकती है एसर कंपनी की, वो 1 लाख के आसपास हो सकती है, उस पर आपको सब्सिडी मिलेगी। अभी तक हम ये उम्मीद लगा चल रहे हैं, बाकी जब मार्केट में आएगी तो मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कि कब भैया लॉन्च होने वाली है, लॉन्च हो गई है क्या, इसमें असल में मिला है। अभी तक तो ये उम्मीद लगा रहे कि भैया मिलेगा। तो एसर कंपनी भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के अंदर उतर चुकी है, उसने अपना ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कर दिया है और कुछ समय में लोगों के लिए अवेलेबल करा देगी। वो आपको मेरे चैनल पर पता चल जाएगा, वरना मैं इंस्टाग्राम पे आपको अपडेट कर दूँ, अगर वहाँ फॉलो नहीं करें भी आप जल्दी कर लो, क्योंकि वहाँ भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन डालते रहता हूँ इसके रिगार्डिंग। बाकी डिटेल वीडियो तो मैं यहाँ डालते ही डालता हूँ, तो दोनों जगह आप देख सकते हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कर ही लो, अगर आपका मन करे तो कर लो, अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। बाकी इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भैया फॉलो तो करना पड़ेगा, उसके बिना तो नहीं होगा। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेरी किसी बाइक को लेकर, गाड़ी को लेकर, इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम मीडियम में पूछ सकते हो, मैं आपकी क्वेरी को 100% सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग चाहते हो उस क्वेरी पर डिटेल वीडियो बना दूँ, तो ही मेरे को बता सकते हो, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जुटा के आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ताकि आप लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए कम से कम समय के अंदर, मैं वीडियो फॉर्मेट कर दूँ, ताकि आप लोग जमा दे सको और चाहो तो शेयर भी कर सको। बाकी इस वीडियो से इतना ही गाइस, अगर वीडियो चले मीटे लगे तो आपको पता क्या करना है, लाइक कम सब्सक्राइब, तो बाय बाय, टेक केयर।